साल 2015 की बात करें तो सरहद के अंतिम छोर पर बसे बाड़मेर में जहां पीने के पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए भी संघर्ष था, वहां बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा के बारे में सोचना बेमानी सा था। मगर वेदांता समूह और राजस्थान सरकार की तरफ से शुरू की गई मॉडर्न आंगनबाड़ी नंदघर इस सोच को बदल चुकी है। राजस्थान के बाड़मेर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नजदीक बसी धाणियों तक में नंदघर की वजह से बच्चों का जीवन बदल रहा है। चित्राई, धाणियों और गांवों में इन नंदघर में पढ़ने वाले 3 से 5 साल के बच्चे सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, रहन सहन और बातचीत में भी शहरी बच्चों को टक्कर देते हैं। बाड़मेर के बियाबान धोरो पर बने 100 नंदघरों में 3200 बच्चों से ज्यादा पढ़ रहे हैं और इन नंदघरों में यशोदा के किरदार में नजर आने वाली अगुवा इनको सिखा रही है जिंदगी की नई आयाम। ये खिलौने देख के बच्चे अपने आप आ जाते हैं, रोते लगते, कभी नहीं आती हूँ तो भी बच्चे बोलते हैं नहीं मैं जाऊंगी फिसल रोटी खेलूंगी, ऐसे लोग अपने आप आ जाते हैं। पहले की आंगनबाड़ी और नंदघर में बहुत फर्क है। पहले आंगनबाड़ी में तो कुछ खेलने के लिए बच्चों को कुछ नहीं दिया जाता था, सिर्फ बच्चे आते थे और अपने आप चले जाते थे और नहीं तो पढ़ाई करवाते थे। अब तो बच्चों को खिलौने देख कर बच्चे अपने आप आ जाते हैं, बच्चों को पढ़ाया जाता है, बच्चे मतलब इंटेलिजेंट भी है, मतलब अपने आप बोल देते हैं बच्चे, ये चित्र बने हुए उसको देखकर भी बच्चे बता सकते हैं कि ये है ये। नंदघर बनने के बाद में बच्चों को मतलब बोलना है, पोइम सीख ली है, मतलब बच्चे बता देते हैं, ये रंग रोगन बने हुए आकृतियाँ हैं सब बता देते हैं। बच्चों के लिए इन जगहों पर न केवल पोषण की व्यवस्था है, साथ ही खेल खेल में भी इन बच्चों को भावी जीवन के लिए तैयार किया जा रहा है। सही मायने में जिन जगहों पर अभावों के अलावा कुछ नहीं था, वहाँ वेदांता समूह के अनिल अग्रवाल फाउंडेशन के नंदघर लिख चुके हैं बदलाव की बड़ी कहानी।